नमस्कार दोस्तों, हाल ही में लाइब्रेरी संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आपको लाइब्रेरियन के अलावा विभिन्न पदों पर भर्ती दी गई है। यह आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो जिन स्टूडेंट ने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री रखा है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन प्लस अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में BLIS कंप्लीट है तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बता दूं कि सेकंड और थर्ड पार्ट में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई, जैसे कि आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज, तो इसके लिए आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। अगर आपको नॉलेज ना भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी सारा समय मिलेगा जिसमें आप इसके लिए इजीली तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम फीस की बात करें तो सामान्य कैंडिडेट के लिए 700 रुपये, OBEEWS के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 300 और PWBD यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट के यहाँ पर कोई फीस नहीं रखेगी, वह निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, लाइब्रेरी असिस्टेंट यह आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है, जिसका पे लेवल दोस्तों आपका 4 का दिया, यानी कि आपकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक रहने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको डिप्टी रजिस्ट्रार, इंटरनेट एडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन सिविल, UDC की यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट प्लस दोस्तों लाइब्रेरी असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की भी यहाँ पर आपको पोस्ट दी गई है। अगर हम लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट की सामान्य की एक पोस्ट दी गई है। 18 से 32 वर्ष आपकी एज रखी गई है। यह आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू आपके जो पद हैं वो भरे जाएंगे। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपको 13 पोस्टें दी गई हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आपके 28 जुलाई 2023 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 अगस्त 2023। साथ ही दोस्तों इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संस्था द्वारा हार्ड कॉपी जमा करवाई जाती है, जिसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त 2023। इसके लिए आपको 7 दिन का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दोस्तों आपके आवेदन करने की जो प्रति है, साथ में उसके पास जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाने के बाद दोस्तों इनके दिए हुए पते पर आपको भेजना होगा, जिसके लिए लास्ट डेट है 25 अगस्त 2023। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो, यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको नोटिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो स्टूडेंट SC ST OBC नॉन क्लेमर वर्ग या PWBD कैटेगरी से आते हैं, उन्हें यहाँ पर आयु में छूट भी दिया जाएगा और आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें भी आपको मार्क्स में आरक्षण दिया जाएगा। उसकी जानकारी यहाँ पर आपको डिटेल से मेंशन की गई है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसकी जानकारी इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर दे दी जाएगी। साथ दोस्तों आपको बता दें कि इंटरव्यू पर बुलाए जाने पर इनके द्वारा कोई भी यहाँ पर आपको TA DA नहीं दिया जाएगा, अपने खुद के खर्चे पर दोस्तों आपको जाना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए पूरा डिटेल पता यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, किस तरह से आपको आवेदन भेजना होगा, किस पते पर भेजना होगा, क्या डेट है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आपको जो आवेदन करना होगा उसके लिफाफे पर मेन पेज पे आपको क्या लिखना होगा उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से जानकारी दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले आप डिटेल से नोटिफिकेशन चेक करें, उसी के बाद दोस्तों आप आवेदन करें। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि वैकेंसी संबंधित आपकी किसी भी तरह की क्वायरी है तो आप इन्हें मेल करके पूछ सकते हैं। इन्होंने 4 नंबर पॉइंट पर अपना जो मेल आईडी है वो यहाँ पर डिटेल्स मेंशन की गई है। इस मेल पर आपकी किसी भी तरह की क्वायरी है तो आप इन्हें मेल करें, आपकी क्वायरी का जवाब दिया जाएगा। यह नोटिफिकेशन आपका राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश की ओर से 26 जुलाई 2023 को जारी किया गया था, जिसमें आपको नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भर्ती दी गई है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रखा गया है और इसके लिए दोस्तों आपको
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करना होगा। वैकेंसी संबंधित किसी भी तरह की कोई क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।